चला ओके. सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. लास्ट क्लास हमने क्या किया था, वेपर प्रेशर किया था और उसके फैक्टर अफेक्टिंग हमने देखे थे. एंड आई होप सो आपको वो सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. ठीक है, अगर आपको प्लीज़ नहीं भी समझ में आए तो एक दिन आपको बस ये करना है, अब से एक रूल रहेगा हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के डाउट सेशन का, आपको जो भी डाउट्स पूछने हैं, ठीक है, जो भी आपको नारायणा की शीट दी हुई है उसमें आपको बस इतना करना है, क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर और या एक्सरसाइज, जिस भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो आपको मुझे एक दिन पहले भेजना होगा, जिससे बड़ा आपको भी फायदा होगा, ताकि जल्द से जल्द मैं आपके सॉल्व करके और डाउट सेशन में आपको वो मैं लाइव आपको समझा सकूँ. ठीक है, व्हाट्सएप पे पर्सनली सबको बताना मुश्किल होता है थोड़ा बेटा, क्योंकि बहुत बच्चों के डाउट्स आते हैं एक साथ, क्योंकि हमारा रिपीटर बैच भी है, पुराने 12th JEE बैच भी है, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो प्लीज़ आप थोड़ा हमें कॉपरेट करिए. आपको बस इतना करना, आपको एक दिन पहले डाउट्स, जब भी हमारा डाउट सेशन रहेगा केमिस्ट्री का, आपको एक दिन पहले वो भेजना. ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक. ठीक है, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया कि भाई हमने जो सब्सटेंस को क्लासिफाई किया है वो अकॉर्डिंग टू देयर वेपर प्रेशर हमने क्लासिफिकेशन किया. तो हमारा जो नेक्स्ट जो सब्सटेंस है, जो टॉपिक है, एक्चुअली हम ये जो कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे है मेरा सब्सटेंस, ये दोनों पंखा चला, सब्सटेंस ऑन बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर, सब्सटेंस ऑन बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर. तो भाई अकॉर्डिंग टू द वेपर प्रेशर हम सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, पहला सब्सटेंस हो जाएगा मेरा वोलाटाइल सब्सटेंस. पहला क्या हो जाएगा, वोलाटाइल सब्सटेंस. अब वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होता है भैया, तो देखो किसी सब्सटेंस का अगर अपना वेपर प्रेशर होता, जनरली वेपर प्रेशर किसका होगा, लिक्विड का होगा, तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि 99.9% सॉलिड्स आर नॉन वोलाटाइल. ठीक है, तो जो भी लिक्विड है सारे के सारे क्या माने जाते हैं, वोलाटाइल है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे इथेनॉल हो, चाहे कोई भी लिक्विड होगा, तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर जरूर होगा. ठीक है, कम या ज्यादा, इट डिपेंड्स ऑन देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, जो हमने लास्ट क्लास देखा था. ठीक है, तो वोलाटाइल सब्सटेंस में क्या होता था, सब्सटेंस हैविंग डेफिनाइट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर. सब्सटेंस हैव बीन डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल सब्सटेंस. इसका मतलब ये होगा इनका पी नॉट का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि पी नॉट हम किसको डिनोट करते थे, पी नॉट हम डिनोट करते थे वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड. जो भी लिक्विड होगा उनका वेपर प्रेशर को हम पी नॉट से डिनोट करते, उनकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी. भले 0.5 होगा, 0.79 होगा, 0.025 हो सकता है किसी का, मतलब डिपेंडिंग ऑन देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, बट जीरो नहीं हो सकता. तो हर लिक्विड क्या होता है मेरा, वोलाटाइल टाइप का सब्सटेंस होता है. तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पे, एग्जाम्पल हो जाएगा H2O, एग्जाम्पल हो जाएगा मिथेनॉल. ठीक है, C2H5OH, जितने भी अल्कोहल्स होते हैं बेसिकली दे आर हाईली वोलाटाइल. जितने भी पेट्रोलियम होते हैं सारे के सारे क्या होता है, हाईली वोलाटाइल नेचर के होते हैं. ठीक है, आप बेसिकली आप टोलविन को भी ले सकते हो, C6H5CS3, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं मेरे, वोलाटाइल नेचर के होते हैं. ठीक है, अब सेकेंड जो मेरा आता है वो आता है नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस. क्या होता है, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, NVS. ठीक है, NVS है मेरा शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, तो सब्सटेंस हैविंग नो टेंडेंसी फॉर वेपराइजेशन द सब्सटेंस हैविंग नो टेंडेंसी फॉर वेपराइजेशन, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस बोलते हैं. और इसका मतलब पी नॉट की वैल्यू हमेशा यहाँ पे जीरो होगी बेटा. किसी भी नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस का उड़ने की टेंडेंसी नहीं होती, चाहे वो नमक हो चाहे चीनी हो. तो कल भी मैंने आपको बताया था कि आइसक्रीम वगैरह का जो एग्जांपल लिया था मैंने, या नमक या चीनी का सॉल्यूशन लिया था, नमक पानी का या चीनी पानी का सॉल्यूशन था, चीनी पानी का जब आप वेपराइज करोगे तो आपको जो भाप मिलेगा वो सिर्फ पानी का मिलेगा, आपको चीनी का वेपर नहीं मिलेगा. क्यों, बिकॉज चीनी जो शुगर है वो मेरा एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है, उड़ने की टेंडेंसी नहीं रख सकता है. आई बात समझ में, तो ये चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा. तो मैं लिख देता हूँ, सॉलिड्स आर एज्यूम्ड
टू बी सॉलिड्स आर एज्यूम टू बी नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स आर एज्यूम टू बी नॉन वोलाटाइल जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कॉमन नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस जो थ्रू आउट आपको चैप्टर में पढ़ने वो मैं आपको लिख देता हूँ पहला होता है NH2CONH2 यूरिया ये आपका कॉमन एग्जाम्पल है दूसरा हो जाएगा सुक्रोज ग्लूकोज ठीक है ये आपके तीन चार जो हैं कॉमन एग्जांपल है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के तो जिस न्यूमेरिकल में आपको ये तीन सब्सटेंस आपको दिख गए तो बेसिकली आपको ये समझ जाना कि भैया दिस इज द केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ठीक है तो अगर ये हमारा पहला फैक्टर था जो हमने कंप्लीट किया अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द लिक्विड पे नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे सेकेंड जो हमारा फैक्टर है वेपर प्रेशर का वो है टेम्परेचर क्या है सेकेंड फैक्टर है मेरा टेम्परेचर तो आपको पता है जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी जैसे एनर्जी बढ़ गई अब जैसे सपोज इसको बेस्ट एग्जांपल ऐसे समझो अगर मैंने आपको 5 करोड़ रुपए दे दिए तो ऑब्वियस बात है आपको मैंने एनर्जी दे दिया आप हवा में उड़ने लगोगे आप जमीन पे क्यों रहोगे भाई 5 करोड़ छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है तो अगर आपको अचानक से मिल गया तो आप तो जमीन पे तो ऑब्वियस बात नहीं रहोगे सेम उसी तरीके इंसान की फितरती होती है भैया जैसे उसको पैसा मिलता है वो हवा में उड़ने लगता है राइट वैसे ही क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि मान लो किसी भी मॉलिक्यूल को अगर उसको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिल गई तो ऑब्वियस बात है वो अपने सर्फेस को छोड़ के वेपर स्टेट में चला जाता है फुग एसिडिटी वगैरह हमने कल कवर करके कर ही लिया था तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था लिक्विड मॉलिक्यूल और गैसेस मॉलिक्यूल को आपको एक ही जैसा ट्रीट करना है तो ऑब्वियस बात है अगर गैसेस मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पे तो लिक्विड मॉलिक्यूल की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे ठीक है ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेस ऑब्वियस बात है आप ऐसे समझ सकते हैं इस पॉइंट्स को आप ऐसे समझ सकते हो टेम्परेचर बढ़ाए तो ऑब्वियस बात है काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी उससे ज़्यादा और मिल जाएगी मॉलिक्यूल को अपर सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को तब आप ये सोचो ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देगा डोमिनेंट कर देगा जब डोमिनेंट कर देगा तो नीचे वाले को तोड़ के सीधे कहाँ चला जाएगा अपने सरफेस को मतलब जैसे ऐसे समझो आप इस तरीके से इस पॉइंट को समझो कि मान लो आपने जो भी इसके पहले काइनेटिक एनर्जी थी आपने हल्का से इसको गर्म किया तो क्या होगा यहाँ पे जो भी इस नीचे वाले मॉलिक्यूल के साथ जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था मतलब अब जो काइनेटिक एनर्जी तुरंत डोमिनेट कर जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और तुरंत ये किस में चला जाएगा इसको तोड़ते हुए वेपर स्टेट में चला जाएगा तो इस वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो इसी का हम एक इक्वेशन आता है कि आखिर इसका वेरिएशन कैसा होता है वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर आखिर इनका वेरिएशन कैसे होता है टेम्परेचर के साथ तो थोड़ा ध्यान से देखो वेरिएशन की बात करूँ तो एक इक्वेशन होता है क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन क्या होता है क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें इक्वेशन क्या होता है डी ऑफ एलन ऑफ वी पी बाय डी टी इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय आर टी स्क्वायर दिस इज द इक्वेशन जो वेपर प्रेशर का मुझे बताता है किसके साथ वेरिएशन टेम्परेचर के साथ इसको हम क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन भी बोलते हैं अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो डी ऑफ एलन ऑफ वी पी ठीक है इसको इंटीग्रेट किया मैंने डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बाय आर टी स्क्वायर इंटू डी टी तो ऑब्वियस बात इंटीग्रेशन आप मेरे से ज़्यादा भली बात ही जानते हो तो आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा एल एन ऑफ वी पी माइनस ऑफ डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय आर टी माइनस ऑफ डेल्टा एच वेपराइजेशन आर टी प्लस के इंटीग्रेशन आई होप सो मेरे से आप ज़्यादा जानते होगे तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिया है यहाँ पे ठीक है तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है अगर मैं इससे ग्राफ्स की बात करूँ ठीक है मैं ग्राफ की बात अगर मैं बात करूँ एल एन ऑफ वी पी की बात करूँ और 1/T के ग्राफ की बात करूँ तो ये आपको कैसा वाई इज इक्वल टू एमएक्स प्लस सी है तो ऑब्वियस ऑफ द नेगेटिव स्लोप है तो ये आपका ग्राफ कैसा रहेगा डिक्रीजिंग वाला रहेगा और अगर मैं वेपर प्रेशर
और सिर्फ टेम्परेचर की बात करते हैं, ग्राफ कैसा रहेगा? देखो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन कैसा रहेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग वाला रहेगा। एक तो माइनस है, ऊपर से एलन है, तो ऑब्वियस बात है ये एक्सपोनेंशियल क्या रहेगा, इंक्रीजिंग कर्व रहेगा। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्या आ चुकी होंगी, समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, एक मिनट अब मैं सौरभ कर देता हूँ बुरे तरीके से। ठीक है, अब जैसे सपोज कर बेटा, अगर मेरा T इक्वल टू टेम्परेचर T1 है, मैं मुझे क्या देखना है, अब मुझे एक्चुअल में वेरिएशन डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कैसे कैसे रोल प्ले करता है वो देखना है। तो उसके लिए अगर आपको याद है, मैंने हमेशा आपको बताया कि जब किसी चीज़ का वेरिएशन देखते हो तो कुछ चीज़ों का आपको कॉन्स्टेंट रखना पड़ा। आपको टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का वेरिएशन देखना है यहाँ पे, तो आप डेल्टा एच वाले इक्वेशन में डेल्टा एच को एज्यूम क्या करोगे, आप उसको कॉन्स्टेंट मान के चलोगे। ठीक है, आप उसको क्या मान के चलोगे, कॉन्स्टेंट। तो टेम्परेचर T इक्वल टू T1 है, तो इस केस में वेपर प्रेशर आपका कितना मिल रहा है, पी, वेपर प्रेशर आपको मिल रहा है P1। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगा एलन ऑफ P1 माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय RT1 प्लस के। ठीक है, और टेम्परेचर T इक्वल टू T2 है, तो वेपर प्रेशर आपका कितना हो जाएगा, P2। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, एलन P2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बाय RT2 प्लस K। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बना और ये मेरा सेकंड इक्वेशन कर रहा। मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेगा, एलन ऑफ P2 माइनस एलन ऑफ P1, ये बराबर आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय RT2 प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय RT1। ये आपको कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिलेगा। तो थोड़ा बात ध्यान से समझना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एलन P2 बाय P1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय R, तो ये इक्वेशन मिलेगा 1/T1 माइनस 1/T2। तो देखो ये कुछ एक याद है आपको, मैंने केमिकल के लिए मैं भी इक्वेशन बताया, एलन K2/K1 डेल्टा एच बाय आर 1/T1, वो सेम इक्वेशन है बेटा, ये सेम। तो ये आपको इक्वेशन कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको अगर एक्चुअल फॉर्म में लिखोगे तो लॉग ऑफ P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय आर इंटू 2.303 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अब ये इक्वेशन किन के लिए करेगा, ये के ए के लिए वैलिड है, के बी के लिए वैलिड है, के सी के लिए वैलिड है, के पी के लिए वैलिड है, के एच के लिए वैलिड है, के डब्ल्यू के लिए वैलिड है, वेपर प्रेशर के लिए भी ये वैल्यू क्या होती है, वैल्यू मतलब ये फॉर्मूला वैलिड होता है। तो जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, देखो वेपर प्रेशर एक तरीके से क्या है, इक्विलिब्रियम पे ही तो डिफाइन होता है। तो जितने भी ये फॉर्मूला हमेशा कब डिफाइन होगा, हमेशा इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है। आई बात समझ में, तो आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर required to saturate 82 liter at 300 Kelvin to saturate a vessel of volume 82 liter at 300 Kelvin, vapor pressure of water at 300 Kelvin is 38 torr. At 300 Kelvin is 38 torr. देखो एक्चुअली क्या क्या रहा है, देखो समझो बात को,
मान लो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेचुरेट अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 82 लीटर एट 300 केल्विन। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 300 केल्विन इतना दिया, मतलब वॉल्यूम इस कंटेनर का 82 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। मान लो टेम्परेचर इसका कितना दिया हुआ, टेम्परेचर यहाँ पे आपको दिया हुआ 300 केल्विन। कितना दिया हुआ बोलो भाई, कितना अमाउंट ऑफ मैं वेपर डालूँ ताकि वॉल्यूम मेरा सेचुरेट हो जाए। कहने का सेचुरेट का मीनिंग क्या होता है, जैसे सपोज करो मैंने आपको आपको कल भी एक एग्जांपल दिया था कि आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि अगर 100 ml वाटर है तो उसमें हार्डली से हार्डली आप कितना नमक मिला सकते हो। तो मैंने आपको बताया होगा 40 ग्राम उसकी हाईएस्ट लिमिट है। ऐसा माना जाता है कि 100 ml पानी में आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 ग्राम नमक मिला सकते हो। 40 से ज़्यादा हो जाएगा, मान लो 42 मिला दिया तो क्या होगा, 40 तो डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन 2 ग्राम क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, मतलब वो सुपर सैचुरेटेड हो गया। अगर औकात से ज़्यादा आप कोई चीज़ डिसॉल्व कर रहे हो उसमें तो सुपर सैचुरेटेड हो गया, जितना औकात हो उतना ही डिसॉल्व कर रहे हो तो सैचुरेटेड हो गया। और मान लो 40 और मैंने 36 मिलाया तो वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। आई बात समझ, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, तो थोड़ा ध्यान से समझो इस बात को। मुझे पता है वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर। कल भी आपको मैंने बताया था किसी भी लिक्विड का मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर उसका वेपर प्रेशर होता है। तो उसने प्रेशर ऑलरेडी दिया हुआ कितना, 38 टॉर दिया हुआ, मतलब 38 बाय 760, तो ये कितना हो जाएगा, 1/20 ATM हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ वेपर है, यहाँ पे कोई लिक्विड की चर्चा की नहीं है उसका, मतलब हम ऑब्वियस बात है। मैंने आपको कल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी दिया था कि या कल या परसों फर्स्ट लेक्चर में आपको दिया होगा कि आप वेपर प्रेशर पे आइडियल गैस इक्वेशन तो जरूर लगा सकते हो बट आइडियल गैस लॉज आप नहीं लगा सकते हो। मतलब वेपर प्रेशर मतलब लिक्विड्स, क्योंकि लिक्विड है ना बेटा, और वेपर प्रेशर पे सिर्फ मतलब सिर्फ वेपर से आप क्या लगा सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, तो अगर मैं बात करूँ पीवी इक्वल टू एनआरटी की, मैं बात करूँ मुझे पता करना है कि भाई इतना वेपर प्रेशर के लिए कितना अमाउंट लगेगा, तो सिंपल से बात है पीवी इक्वल टू एनआरटी, एक इक्वेशन आपके पास। तो वेपर प्रेशर कितना हो गया आपके पास, 1/20 × 82 = n, R बराबर कितना हो जाएगा, 0.082 इंटू टेम्परेचर हो जाएगा 300, तो ये हो जाएगा 30, दिस कैंसल, 82 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट हो जाएगा 1/6, कितना अमाउंट हो, कितना मोल्स बनेगा, 1/6। तो अगर मैं बोलूँ वेट कितना होगा तो 1/6 × 18, मतलब 3 ग्राम। इतने वेपर प्रेशर के लिए आपको कम से कम 3 ग्राम वाटर चाहिए ही चाहिए, कितना चाहिए, 3 ग्राम वाटर चाहिए, ठीक है। अब इसी में देखो एक क्वेश्चन में ट्विस्ट कर रहा हूँ और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, कैसे कि इफ 5 ग्राम ऑफ वाटर इज, इफ 5 ग्राम ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द introduced in the 5 gram of water is introduced in the above vessel, in the above vessel initially evacuated then calculate percentage of water which will vaporize। तो थोड़ा बात को समझो, मैंने क्या किया इसी कंटेनर में 82 वाले लीटर में, मैंने क्या किया, पहले इनिशियली 5 ग्राम पानी लिया, कितना लिया 5 ग्राम पानी। अभी अब ऐसा समझो उसी टेम्परेचर पे, क्योंकि वेपर प्रेशर तो भैया टेम्परेचर से मतलब नहीं होता, सॉरी टेम्परेचर पे ही डिपेंड होता है, उसको वॉल्यूम से मतलब नहीं, उसको अमाउंट से भी मतलब नहीं है, अमाउंट से मतलब है ऑब्वियस, सॉरी माय मिस्टेक। वेपर प्रेशर जो होगा वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर पे, अमाउंट पे भी डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल करेक्शन है। तो कुछ समय के बाद मतलब मान लो एट इक्विलिब्रियम, जैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो क्या होगा, आपको क्या नजर आ रहा है, मान लो कोई टेम्परेचर आपने 300 केल्विन ही रखा,
तो ऑब्वियस से बात है वेपर प्रेशर आपको टेम्परेचर 300 पे कितना मिलेगा, 38 टॉर ही मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे आपको 3 ग्राम चाहिए कितना वेपर बनाने के लिए, इतना वेपर प्रेशर के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए था वाटर, 3 ग्राम चाहिए था। तो ऑब्वियस से बात है तो यहाँ पे जो वेपर बनेगा वो 3 ग्राम का वेपर बन जाएगा और बचेगा यहाँ पे 2 ग्राम क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको आई होप सो बात समझ में आ रही है कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसे भी देगा भाई कि ये इस वाटर को आपको हाइट के लेवल में दे सकता, भाई इनिशियली हाइट H1 है वाटर का और फाइनली हाइट हो गया H2 और H1 माइनस H2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेपर प्रेशर, क्योंकि इसी का हाइट का तो बराबर क्या हो जाएगा मेरा वेपर प्रेशर बनेगा। तो ये आई होप सब बात समझ में आ रही होगी कि भाई इतना अमाउंट के लिए, इस वेपर प्रेशर के लिए मुझे इतना अमाउंट चाहिए। अब आप 10 ग्राम ले लो, 20 ग्राम ले लो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, अपना 3 ग्राम का ये वेपर बन जाएगा, बचा कुछ पानी पानी के स्टेट में रहेगा। आई बात समझ में? और फाइनल इनके बीच में क्या हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर आ चुका है 38 और मिल चुका है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा मेरा वेपर प्रेशर स्टेबलेट हो जाएगा और ये सैचुरेट हो जाएगा इस जगह पे। तो आई होप सो इस क्वेश्चन को आपको समझ में आएगा मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर की बात करूँ, तो कितना भैया, 5 ग्राम था, 3 ग्राम मेरा बन गया इनटू 100, तो 60% आपको इस अमाउंट में 60% वाटर वेपर मिलेगा। कितना मिलेगा? 60% वाटर वेपर मिलेगा। आई होप सो आपको यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। देखो, आगे बढ़ने से पहले ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बबल पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो पहले मैं लिख देता हूँ, बबल पॉइंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में बीपी लिख रहा हूँ। द पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, मतलब एक ऐसा पॉइंट जब आपका लिक्विड का पहला ड्रॉप वेपराइज वेपर बना होगा या पहला ड्रॉप लिक्विड वेपराइज किया होगा, तो उस केस में आपको हम क्या बोलते हैं, उस केस को हम क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो या तो हम इसको ऐसा लिखें या तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, द पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म, ठीक है। पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज हो या पॉइंट एट विच द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म, जब आपका पहला वेपर फॉर्म हुआ होगा, तो प्रैक्टिकली सोचो आपके पास कोई कंटेनर है, आप उसमें लिक्विड और आप जैसे कुछ ना कुछ तरीके से आप मान लो एक या तो टेम्परेचर दे के या तो प्रेशर घटा के, क्योंकि तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपको याद होगा लिक्विफिकेशन में हम गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाई कंप्रेशन प्रेशर बढ़ाते थे तब मेरा गैस क्या होता था, लिक्विड में कन्वर्ट होता था। लेकिन अगर आपको लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर घटाना पड़ेगा, मतलब एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से सोचो कि अगर मैंने एक्सपेंशन किया तो उस केस में जब मेरा पूरा लिक्विड था और अगर पहला ड्रॉप वेपर का फॉर्म हो रहा है, तो उस केस में प्रैक्टिकली आपका फेस किस में होगा, मतलब जो प्रैक्टिकली जो आपका जो कंटेनर में जो फेज होगा वो कौन होगा, वो लिक्विड होगा, क्योंकि अभी तो बेटा वेपर का पहला ही ड्रॉप बना है और प्रैक्टिकली देखा जाए तो सारा का सारा लिक्विड क्या है, सारा का सारा लिक्विड बचा हुआ ऐसा कैसा,
तो इस केस में आप बोल सकते हो कि लिक्विड जो होगा वो मेजर फेज में होगा, बराबर, और वेपर जो होगा वो बिल्कुल माइनर फेज में होगा। किस फेज में होगा बेटा? माइनर फेज में होगा। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ड्यू पॉइंट की, तो ड्यू पॉइंट जस्ट उल्टा हो जाए, जब पहला ड्रॉप लिक्विड वेपराइज हुआ होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट एट विच द लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, द पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो, या आप इसको ऐसा भी देख लेते हो, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस। अब देखो इस पॉइंट से, चलो इन दोनों पॉइंट से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो नजरिए की बात होती है, बाकी कुछ है नहीं। अगर आप पहला स्टेटमेंट देखोगे, आपके पास प्रैक्टिकली पूरा लिक्विड था, इसमें पूरा लिक्विड था, ठीक है, आपने एक्सपेंशन किया इसमें, तो इसमें पहला ड्रॉप लिक्विड क्या हुआ, वेपराइज किया। तो मतलब आपके पास सिर्फ एक ही गैस का बबल है और बाकी सारा लिक्विड है, आप वेपराइज करते जा रहे हो, एक समय ऐसा होगा कि सारा का सारा वेपर बचेगा और एक ड्रॉप लिक्विड का बचेगा। तो वही बोला था, पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड क्या होगा, वेपराइज। तो प्रैक्टिकली इस केस में मेजर फेज आपका क्या होगा, प्रैक्टिकली इस केस में मेजर फेज होगा मेरा वेपर, क्योंकि ऑलमोस्ट 99.99% वेपर है, बस एक ड्रॉप लिक्विड का बचा हुआ है, मतलब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, मतलब वो भी होने वाला है, उस मतलब हुआ नहीं है बट होने वाला है अगर आप कंटिन्यू करते जाते हो। या ऐसा बोल सकते हो, अगर वेपर के नजरिए से देखोगे तो भाई पूरा का पूरा वेपर है और एक बबल बचा है लिक्विड का, इसका मतलब पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस। दोनों तरीके, अगर आप लिक्विड के फॉर्म में देख रहे हो तो लिक्विड के फॉर्म में आप ऐसे देखोगे कि जब पहला ड्रॉप लिक्विड वेपराइज हुआ तो उसमें क्या एक बबल मेरा बन रहा है वेपर का और बाकी सारा लिक्विड है, या ऐसा बोल सकते, और करते जा रहे हो वेपराइज करते जा रहे हो तो सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट होगा, सिर्फ एक ड्रॉप लिक्विड का बचा है। तो आप उसके नज़रिए से देखोगे, पहले पॉइंट के नज़रिए से चीज़ें अलग है और दूसरे पॉइंट के चीज़ें से नज़रिए अलग है। दूसरा पॉइंट इसी का क्या बोल रहा था, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म, द पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म, मतलब क्या है कि आपका प्रैक्टिकली वो कंडेंस होते होते एक ड्रॉप वेपर का बचा और पूरा का पूरा लिक्विड बचा। तो ऊपर से देखो या नीचे से देखो, बात बराबर ही है, अपने अपने नजरिए की बात है। किसी बुक में बोलता कि किसी बुक में लिक्विड के अकॉर्डिंग, किसी बुक में बोलता वेपर के अकॉर्डिंग। अगर मैं वेपर के अकॉर्डिंग जाऊँ तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, भाई सारा का सारा कंडेंस हो चुका है वेपर, एक ड्रॉप बस वेपर का बचा हुआ है। इस पॉइंट को अगर मैं समझा, इस पॉइंट में क्या बोलूँगा, अभी वेपर एक ही ड्रॉप कंडेंस होने वाला है, मतलब एक ही ड्रॉप पहला ड्रॉप ही कंडेंस हुआ है, तो ये वेपर के अकॉर्डिंग है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है, आपको बेटर समझ में आएगा। आपको याद होगा कि अगर हम गैस से लिक्विड में जाते हैं, ठीक है, इस ड्रॉप, इस पॉइंट को मैं एक प्रैक्टिकली डायग्राम में भी आपको समझाऊंगा अगर आपको नहीं समझ में आया। गैस से लिक्विड जाते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, कंप्रेशन करते हैं। क्या करते हैं हम इसको, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस का मतलब ये होता है प्रेशर बढ़ाना और वॉल्यूम को घटाना, गैस से लिक्विड जब जाते हैं। लेकिन अगर आपको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्या लिखे, आप क्या करोगे, एक्सपेंशन, उल्टा चलना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये होगा कि प्रेशर घटाना पड़ेगा और वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे गैस टू लिक्विड जाना सपोज करो, तो मैं ऐसे चलूंगा, ठीक है, सपोज करो ये मेरा कोई कंटेनर है, ठीक है, मान लो ये कंटेनर है और मैंने ऊपर तक पानी भरा हुआ, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। देखो ड्रॉप, ड्यू पॉइंट, वेपर पॉइंट सबको मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पे, बहुत अच्छे से इसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पे मैंने लिखो टेम्परेचर टी रखा है, टेम्परेचर मैंने क्या रखा है, कॉन्स्टेंट रखा है, टेम्परेचर मेरा टी ही है यहाँ पे, ठीक है। और मान लेता हूँ इस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो 0.4 atm है, क्या है, 0.4 atm है। तो आई होप सो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा एक बात और, ठीक है, वो बात क्या है, लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम जो एस्टैब्लिश होता है वो एस्टैब्लिश होता है एस्टैब्लिश्ड बिटवीन ड्यू पॉइंट एंड बबल पॉइंट, या बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट।
कभी भी लिक्विड और वेपर का जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है वो इन दोनों के बीच में ही होगा। क्यों? लिक्विड और वेपर, देखो बबल पॉइंट में क्या है, सारा का सारा लिक्विड है, बट एक ड्रॉप वेपर का अभी भी इक्विलिब्रियम तो है ना, मतलब इक्विलिब्रियम के लिए आपको रिएक्टेंट भी चाहिए और प्रोडक्ट भी चाहिए। तो और ड्यू पॉइंट में क्या है, सारा का सारा वेपर है बट एक ड्रॉप लिक्विड का है, अभी भी इक्विलिब्रियम मैनेज रहेगा। तो याद रखना जो भी लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम होता है वो किसके किसके बीच में रहता है, बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में रहेगा। इसका मतलब इनका जो वेपर, मतलब बबल पॉइंट से लेकर ड्यू पॉइंट तक प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर लिक्विड और वेपर के लिए इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है और वहां जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो मैंने ऐसा पता कि प्रैक्टिकली देखा गया कि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर सपोज करो 0.4 एटीएम में, क्या 0.4 एटीएम, आपने क्या किया, पिस्टन बढ़ाया, क्या किया, पिस्टन को रेस किया, थोड़ा ध्यान से समझना। तो मैंने क्या किया, यहां पे थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है, तो यहां पे ऑलमोस्ट लिक्विड इस जगह पे आ चुका, इतना वॉल्यूम V1 मैंने बढ़ाया, कितना वॉल्यूम V1 मैंने वॉल्यूम बढ़ाया। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे पहला ड्रॉप वेपर का फॉर्म हुआ, क्या ड्रॉप फॉर्म हुआ, पहला ड्रॉप वेपर का। तो इसका मतलब इस जगह पे लिक्विड और वेपर क्या हो चुके होंगे, अब इक्विलिब्रियम पे आ चुके हैं। क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं, एक ड्रॉप भी रहेगा ना तो भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया जो वेपर प्रेशर के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर मैंने मेंटेन किया। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि कितना अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्म हुआ होगा, तो अमाउंट निकालने के लिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने क्या किया था भाई, किसी भी वेपर तो है तो गैस ही ना, तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करें, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूंगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी। सपोज करो N1 मोल्स मेरा बना, प्रेशर में कितना लूंगा, ऑब्वियस से बात है प्रेशर में 0.4 ही एटीएम लूंगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड और वेपर का एक बार इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है तो उसका जो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर हो सकता है वो उसका वेपर प्रेशर ही हो सकता है। तो 0.4 एटीएम, वॉल्यूम मैंने कितना V1, इतना ही एम्प्टी स्पेस है गैस के लिए। N1 मेरा क्या हो जाएगा, मोल्स हो जाएगा R × T। तो ये समझ में, इस तरीके से हम इसका निकाल सकते भाई कितना ड्रॉप, कितना अमाउंट वेपर बना होगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से क्या कर रहा हूँ, पिस्टन को रेस कर रहा हूँ, फिर से पिस्टन को मैं क्या कर रहा हूँ, रेस कर रहा हूँ। अब पिस्टन को रेस करूँगा तो फिर से मैं क्या हो जाएगा, ये ऊपर और चला जाएगा, क्या चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा। तो लिक्विड कुछ इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है, और बहुत सारे बबल मेरे क्या हो चुके होंगे, वेपर के बन चुके होंगे। तो ये जो वाला केस है ना, दिस इज द केस ऑफ बबल पॉइंट। ये जो केस आपका क्या, देखो मैंने क्या बोला था, अब याद करो, द पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, पहला ड्रॉप लिक्विड का वेपराइज क्या होगा, मतलब एक ही वेपर बना है अभी यहाँ पे, और या पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म, पहला ही ड्रॉप वेपर का फॉर्म भी हुआ है, ये चीज आई बात समझ में। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट। प्रैक्टिकली मेजर पोर्शन आपका लिक्विड का है, माइनर पोर्शन आपका किसका है, वेपर का है। अब थोड़ा सा और बढ़ाया आपने, मान लो यहाँ पे वॉल्यूम आपने कितना कर दिया, V2 कर दिया आपने, V2 वॉल्यूम कर दिया। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कितना वेपर फॉर्म हुआ, अगेन आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, PV इक्वल टू NRT लगाओगे, प्रेशर आपका अगेन 0.4, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा, और N2 सपोज करो मोल्स बने हैं, R × T। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अब मैंने क्या किया, मैंने पिस्टन इतना बढ़ा दिया मैंने, एकदम फाइनली ऊपर तक लेके गया, मतलब थोड़ा ऊपर से पहले तक। तो अब क्या हो चुका है, प्रैक्टिकली आपका क्या हो चुका है, लास्ट ड्रॉप लिक्विड का बचा, दिस इज द लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, और ये क्या है मेरा, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर, दिस इज द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर। बाकी सारा क्या हो चुका है, गैस में कन्वर्ट हो चुका है, बाकी सारा क्या हो चुका है, गैस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये वाला केस क्या होता है, जब मेजर मेरा वेपर हो और माइनर मेरा क्या हो, यहाँ सॉरी मैंने लिखा नहीं, माइनर मेरा लिक्विड हो। तो यहाँ पे देखो माइनर लिक्विड है और मेजर आपका क्या है, गैस है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट। मतलब अब इस नजरिए से देखो, जब लिक्विड के नजरिए से देखता हूँ मैं आपको, मैं उधर क्या समझाना चाहता, जब मैं लिक्विड के नजरिए से देखता हूँ तो जब पहला ड्रॉप लिक्विड का वेपराइज क्या होगा उसको हम बोलते हैं बबल पॉइंट, या लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड भी वेपराइज होने वाला उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। मतलब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट। अगर वेपर के फॉर्म में देखता हूँ मैं, तो भैया मेरा सारा का सारा वेपर क्या हो चुका है, लिक्विड में कंडेंस हो चुका है। मतलब लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज एक्सपेक्टेड टू कंडेंस, या आप ऐसा बोल सकते हो कि भैया फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज कंडेंस्ड, एक ही बात है।
तो नजरिए की बात है। तो मैं अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप एक काम करो, आप इसको लिक्विड के फॉर्म में, चलो भाई पहला ड्रॉप लिक्विड का वेपराइज हुआ तो उसको बबल पॉइंट, और लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज होगा तो ड्यू पॉइंट बोलेंगे। आई होप सो इतना समझ में आ चुका होगा। अब मैं क्या करूँ, मैं मेरे में बहुत ज़्यादा वो है कि चलो मैं अब तो इसको और बढ़ाऊँगा, मतलब मैं फाइनली एकदम ऊपर तक इसको ले गया, एकदम ऊपर तक, अब तो बढ़ाने का कोई जगह ही नहीं है। तब क्या होगा, सारा का सारा जो भी वो लास्ट ड्रॉप भी बचेगा ना, वो सारा का सारा किस में बन चुका होगा, गैस में बन चुका होगा। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मैंने बोला यहाँ कितना वेपर बना, तो सपोज करो ये जो वॉल्यूम है वो है मेरा V3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे अमाउंट निकालना वेपर का, तो अगेन क्या लिखूंगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी, मतलब प्रेशर तो मेरा 0.4, वॉल्यूम हो जाएगा V3, एन थ्री सपोज करो मोल्स हो जाएगा आर इंटू टी। तो आई होप से यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अब तो कुछ भी नहीं बचा, सारा का सारा ये क्या है, वेपर है, सारा का सारा क्या है, वेपर है। तो यहाँ पे ये क्या लगेगा, ये वॉल्यूम V4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपने टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा, रखा बिल्कुल, आप क्या कर रहे हो, बस प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात, अब क्या लगेगा, बॉयल स्लो लगेगा, क्या लगेगा, बॉयल स्लो, क्यों, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अब इस केस में आप क्या लगाओगे, बॉयल स्लो, क्योंकि सारा का सारा गैस है, गैस पे तो आप गैस स्लो लगा सकते हो, बट वेपर प्रेशर पे आप कभी भी गैस स्लो नहीं, क्योंकि लिक्विड है ना बेटा आपके साथ, जब तक लिक्विड है तब तक वेपर प्रेशर पे गैस स्लो एप्लीकेबल नहीं होते। आई बात समझ सबको, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वन वी वन इज इक्वल टू, पी वी वन इज इक्वल टू, P1 V1 is equal to P2 V4, P2 V4, obvious बात है। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर नहीं लगेगा, यहाँ पे प्रेशर 0.4 नहीं है, क्यों, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम खत्म हो चुका है, इक्विलिब्रियम बस आपका यहीं तक एस्टैब्लिश है। मैंने आपको पहले ही बोला था एक लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम हमेशा बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में ही रहता है, मतलब यहाँ पे जब आपने पूरा कंटेनर पिस्टन ऊपर ले गया तो फाइनली प्रेशर भी चेंज हो गया और वॉल्यूम भी चेंज हो गया, बस आपने क्या रखा है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। इस तरीके से अगर आपको बोले भाई कितना वेपर निकलेगा, तो आप इस फॉर्मूले से पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी फोर आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सब चीज़ें कलर समझ में आ गई, अगर मैं इसका ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो समझो बात को। ओके, अगर इसके ग्राफ्स की बात करूं मैं, तो ग्राफ्स क्या होंगे, देखो अगर मैं P वर्सेस V केस 4 की बात करूं लास्ट केस में, तो ऑब्वियस बात है प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन में था। ठीक है, केस 1 2 के मतलब जो मैंने बताया था ना, जो एकदम लास्ट केस जो मेरा वेपर का था, तो वहां पे तो भैया टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो बॉयल स्लो लगेगा, तो बॉयल स्लो का ग्राफ ऐसा होता है। लेकिन केस 1 से जब मेरा पहला ड्रॉप बबल पॉइंट से लेकर ड्यू पॉइंट तक का ग्राफ कैसा रहेगा, तो आप याद करो बबल पॉइंट से लेकर ड्यू पॉइंट तक तो प्रेशर मेरा क्या था, कॉन्स्टेंट था, ये बबल पॉइंट था और ये ड्यू पॉइंट था, और यहाँ से फिर फाइनली आप कैसा कर्व ले सकते हो, बॉयल स्लो वाला कर्व ले सकते हो, फिर फाइनली क्या हो चुका था, आप गैसेस में कन्वर्ट हो चुका था। तो इस तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ होता है। आई बात समझ है सबको, हाँ या ना, ये कब है, ये सिर्फ और सिर्फ वेपर के लिए है, अगर सिर्फ केस 4 की बात करो लास्ट वाला केस, और ये केस 1 से केस 4 मतलब लिक्विड से कंप्लीट वेपर बनने का जो प्रोसेस है उसकी बात करना, तो बबल पॉइंट से ड्यू पॉइंट तक प्रेशर कॉन्स्टेंट, उसके बाद कंटिन्यू क्या हो जाएगा, वो गैस फॉर्म में चला जाएगा, तो बॉयल स्लो वाला आप कर्व रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब एक देखो अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आता है इसी केस में वेपर का, और मैं बात करूँ कैसा सपोज करो, दो कंटेनर है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आपके पास वेपर है, ठीक है, जिसका प्रेशर आपको दिया हुआ प्रेशर है जिसका टोटल 700 टोर, कितना दिया हुआ है 700 टोर दिया हुआ, और इसका वॉल्यूम है 5 लीटर, क्या दिया हुआ, मैंने सिर्फ वेपर लिया जिसका प्रेशर आपको कितना दिया 700 टोर, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे
डाल रहा हूँ, दूसरे कंटेनर में डाल रहा हूँ, ठीक है। कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर मैंने अभी भी क्या रखा है, कॉन्स्टेंट रखा है यहाँ पे, और वॉल्यूम यहाँ पे कितना रखा है 20 लीटर। देखो अभी भी क्या यहाँ पे कोई लिक्विड नजर आ रहा है, लिक्विड आपको नहीं नजर आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है, तो यहाँ आप इसको इसको केस के जैसा ट्रीट कर सकते हो, P1V1 = P2V2 के जैसा। मैं बोलूंगा इसका अगर इस कंटेनर में मैं डालूँ तो इसका प्रेशर कितना होगा, तो यहाँ पे क्योंकि सिर्फ वेपर है तो आप गैस लो लगा सकते हो, P1V1 = P2V2। P1 कितना था 700, वॉल्यूम कितना है 5, P into 20, तो ये कितना हो जाएगा 4 times, तो प्रेशर आपका घट जाएगा 700/4। आई बात समझ, क्योंकि सिर्फ ये केस केस का है मेरा, वेपर का केस है, आई बात समझ सबको। जैसे अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं मैं, सेकंड क्वेश्चन में मान लो वॉल्यूम 10 लीटर है, वॉल्यूम कितना है मेरा 10 लीटर, लेकिन मैं यहाँ पे लिक्विड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ लिक्विड, और इसका वेपर प्रेशर है 300 torr, कितना है 300 torr। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इसको यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट दूसरे कंटेनर में डाल रहा हूँ जिसका वॉल्यूम है 5 लीटर, कितना है 5 लीटर है, तो व्हाट इज़ द प्रेशर, ठीक है। ये कंप्लीट वेपर था, ये कंप्लीट लिक्विड है, जब आप इसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करोगे तो इसका वेपर प्रेशर कितना, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होगा, सोचिए। अगर मैं जो सोच रहा, अगर आप वो सोच लिए तो मेरे को ऐसा लगता है आपका सॉल्यूशन टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया था किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बेटा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज़ों पर वो डिपेंड नहीं करता है। तो ऑब्वियस बात है उसको ना तो कंटेनर के वॉल्यूम से मतलब है, ना उसके साइज से मतलब, ना उसके सरफेस एरिया से मतलब है, इसका मतलब वेपर प्रेशर यहाँ का अभी भी 300 torr होगा। तो आई बात समझ में, तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आया था JEE में, ठीक है, this question was asked in previous year JEE, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, देखो क्वेश्चन बेहतरीन बनाने का तरीका, इस कंटेनर में मैंने N2 भी लिया और वाटर भी लिया, वाटर वेपर नहीं, वाटर लिक्विड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ का वॉल्यूम उन्होंने 15 लीटर दिया हुआ, प्रेशर दिया हुआ उन्होंने 780 torr, और वेपर प्रेशर ऑफ H2O उन्होंने दिया हुआ है 50 torr, कितना दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ H2O, कितना दिया हुआ उन्होंने 50 torr। उन्होंने क्या किया, इसी को दूसरे कंटेनर में डाला, ठीक है, दूसरे कंटेनर में डाला जिसका वॉल्यूम है 5 लीटर, टेम्परेचर उन्होंने टी कांस्टेंट रखा, दोनों केस में टेम्परेचर उन्होंने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। उन्होंने पूछा व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ H2O, कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि लिक्विड का वेपर प्रेशर कभी भी चेंज नहीं करता अगर जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आप 15 लीटर वाले में लिक्विड को डालो या 10 लीटर में, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर तो अभी भी क्या होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर अभी भी, टोटल प्रेशर भी उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर, इन दोनों को जब मैं वहाँ डालता हूँ तो वेपर प्रेशर अभी भी 50 torr होगा यहाँ पे, पहली बार 50 torr। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो प्रेशर आपको दिया हुआ 780 torr, मतलब ये जो इस यहाँ का जो प्रेशर है वो 780 torr, मतलब इट इज द वेपर प्रेशर प्लस गैस का प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर डिनोट कर रहा है मतलब वो वेपर प्रेशर भी और N2 का भी प्रेशर है यहाँ पे। तो इसकी बात करूँ मैं, तो अगर मैं सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की बात करूँ तो आप क्या करोगे, 780 - 50 मतलब 730 torr, ये किसका प्रेशर होगा, ये सिर्फ और सिर्फ N2 का प्रेशर होगा, क्यों, क्योंकि जो बेटा टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर किसको कंटेन करता है, ये टोटल प्रेशर आपको N2 का भी प्रेशर इसी के अंदर वेपर प्रेशर भी है वाटर का, तो ये टोटल प्रेशर 780, और ऑलरेडी वाटर का वेपर प्रेशर उसने दिया कितना 50 torr, तो सिर्फ N2 गैस का वेपर प्रेशर कितना होगा 730। जब आप इसको मिक्स कर रहे तो नो डाउट वाटर के वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन N2 के प्रेशर में तो चेंज आएगा, यहाँ तो बॉल स्लो लगेगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ P1V1 = P2V2, तो पहले इनिशियल प्रेशर कितना था 730 था, वॉल्यूम कितना था 15 था, प्रेशर इधर कितना आ गया, इधर मुझे निकालना, और ये 5 मतलब 3, तो प्रेशर ऑफ N2 जो नया होगा वो 092190, तो टोटल प्रेशर आपके पास कितना हुआ, टोटल प्रेशर हुआ 2190 + 50, ठीक है। तो दिस इज द टोटल प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड, ठीक है, आई बात समझे, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वेपर प्रेशर क्या हो चुका बेटा, कंप्लीट हो चुका है, प्योर लिक्विड की बात की, अभी तक देखो मैंने
सॉल्वेंट अभी तक मैंने किसी लिक्विड में कोई चीज़ मिलाया नहीं है, या तो लिक्विड है, लिक्विड के साथ अगर कोई गैस दे दिया तो क्या कंडीशन हो सकती है, तो वो सारी केसेस मैंने आपको यहाँ कवर कर लिया। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन नारायणा में, नारायणा शीट में दिए हुए हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, तो यहाँ पे हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को कवर कर लिया, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड के हर कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया, इससे ज़्यादा और कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आखिर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैसे निकाला है, आखिर पढ़ना तो हमें भैया सॉल्यूशन ये चैप्टर, तो हर चीज़ आप सॉल्यूशन के बारे में ही निकालोगे ना। जब चैप्टर सॉल्यूशन है तो जो भी हमें डाटा फाइंड आउट करना है वो सॉल्यूशन के लिए फाइंड आउट करा है। अब तक हमने जो भी चीज़ें किया वो प्योर लिक्विड के लिए था। देखो सॉल्यूशन कब बनेगा, मान लो इस पानी में जब तक मैं कुछ मिलाऊंगा नहीं तब तक तो ये प्योर लिक्विड है, तो जैसे ही आपने कोई चीज़ मिक्स कर दिया इसके अंदर, अब आप जो सब्सटेंस मिक्स करोगे तो आयनिक में सब्सटेंस में रहे या तो वीक होता था या तो स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे सब्सटेंस क्या हो गया, या तो वोलाटाइल हो गया तो नॉन वोलाटाइल होगा। तो अब यहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आपको दो केसेस में निकालना। पहला केस, अगर किसी लिक्विड में मैं नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस रखता हूँ, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस रखता हूँ, तो इसका मतलब वहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा, तो जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो कौन देगा, वो सॉल्वेंट देगा। लेकिन अगर मैंने क्या किया, दोनों वोलाटाइल सब्सटेंस निकाला, इसका मतलब प्रेशर अब वेपर प्रेशर दोनों की वजह से होगा, दोनों का वेपर बनेगा, ए का भी बनेगा और बी का भी बनेगा, दोनों अगर ए और बी दोनों वोलाटाइल है तो इसका मतलब क्या होगा, अब वेपर प्रेशर चीज़ें अलग हो जाएंगी। आई बात समझ में? तो दो बातें होंगी, या तो अगर आप नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस ऐड करते हो या तो आप वोलाटाइल सब्सटेंस ऐड करते हो। ठीक है, तो पहला केस मैं मान के चल रहा हूँ, केस वन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है, NVS, इसे को हम रॉल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे के केस वन और केस टू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और JEE में हमेशा क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं। तो रॉल्स लॉ क्या होता है, देखो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जानते हैं। सॉल्यूशन की बात करो तो सॉल्यूशन के आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका सॉल्यूट होता है और एक आता है क्या, सॉल्वेंट। क्योंकि आप एज सॉल्यूट क्या ऐड कर रहे हो, सॉल्यूट आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं नेचर की, नेचर में सॉल्यूट का नेचर कैसा है, नॉन वोलाटाइल, कैसा नेचर है, नॉन वोलाटाइल, और इसका कैसा नेचर है, वोलाटाइल नेचर है, कैसा नेचर है, वोलाटाइल। अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं, फिजिकल अगर ये नॉन वोलाटाइल है तो ऑब्वियस बात है इसका सॉलिड नेचर होगा और इसका लिक्विड नेचर होगा। ठीक है, मतलब ये केस कौन सा है, जब लिक्विड में आप कोई चीज़ सॉलिड मिक्स कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है वेपर प्रेशर इसका तो जीरो होगा और इसका पी नॉट होगा। ठीक है, पी नॉट ए, हमेशा मैं सॉल्वेंट को किससे मैं लूँगा, पी नॉट ए से लूँगा, याद रखना। अब से ए मेरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और बी मेरा क्या होगा, सॉल्यूट। तो ये बात समझ में आई सबको, तो मैं लिख ही देता हूँ, ए मेरा सॉल्वेंट है और बी मेरा क्या है, सॉल्यूट है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, अब से हम इसी पैटर्न पे चलेंगे। ठीक है, मोल्स की बात करूँ मैं तो मोल्स Na बराबर क्या हो जाएगा, Nb बराबर क्या हो जाएगा, Wb बाय Mb, और यहाँ पे मोल्स क्या हो जाएगा, Wa बाय Ma। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूँ, मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन XB बराबर क्या हो जाएगा, NB बाय Na प्लस NB, और XA बराबर क्या हो जाएगा, Na बाय Na प्लस NB। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें थी जो हमें याद रखनी है, और मुझे पता है as we know that XA प्लस XB बराबर कितना होता है मेरा, 1 होता है। ठीक है, ये जो हमें पता ही है। ठीक है, अब आपको समझना क्या है, जैसे सपोज करो ये मेरा कोई क्लोज कंटेनर है। ठीक है, क्या है मेरा क्लोज कंटेनर है, मैंने यहाँ पे प्योर लिक्विड ए लिया, क्या लिख गया, प्योर लिक्विड ए लिया। तो इनिशियली यहाँ पे
सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल होंगे बेटा? सरफेस पे तो सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल होंगे। तो ऊपर में जो वेपर बनेगा सिर्फ किसका बनेगा? ए का बनेगा यहाँ पे, बरोबर। सिर्फ क्या बनेगा? ए का बनेगा। और इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो क्या होगा? पी नॉट ए होगा, क्योंकि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर मैंने सॉल्यूट कोई मिक्स किया बी, जो कि मेरा किस नेचर का? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट नेचर का। क्या है मेरा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का। जैसे ही आप मिक्स करोगे, तो भैया मिक्स तभी हो सकता है, देखो कोई भी चीज़ तभी मिक्स होता है जब दो मॉलिक्यूल के बीच में वो जाके आ जाए, तभी तो वो डिजोल्व हो रहा है, अदरवाइज वो डिजोल्व होगा ही नहीं। मतलब दो बॉन्ड, मतलब कुछ ना कुछ बॉन्ड बना लेगा। तो मान लो मैं ऐसा मानता हूँ कि अब ये क्या है? सॉल्यूशन है। किसका? ए और बी का। अब ये क्या है? मेरा सॉल्यूशन है ए और बी का। अब सरफेस पे ए तो है, साथ ही साथ आपको बी भी मिलेगा, ए भी है और बी भी है। देखो कोई चीज़ डिजोल्व होने का मतलब उस दो मॉलिक्यूल के बीच में जाके वो अटैच हो रहा है, तभी तो वो चीज़ डिजोल्व हो रहा है, अदरवाइज वो डिजोल्व होगा ही नहीं। नमक चीनी क्यों डिजोल्व हो जाता है? क्योंकि दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में वो जाके आ जाते हैं, इस वजह से वो डिजोल्व हो जाते हैं। लेकिन सैंड क्यों डिजोल्व नहीं होता? क्योंकि वो दो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में नहीं आ पाता, मतलब बॉन्ड नहीं बना पाता। कहने का मतलब समझ पा रहे हो? वेपर तो बेटा अभी भी बनेगा, ऐसा नहीं है, वेपर क्या होगा? अभी भी बनेगा, लेकिन ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एज इट इज उसी तरीके से रहेगा। कल याद है मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था भाई, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का एक और डेफिनेशन होता है। ये तो डेफिनेशन है भाई, जिस सॉल्यूट का अपना कोई वेपर प्रेशर नहीं होता तो वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है। लेकिन एक और डेफिनेशन होती है, जो सॉल्यूट अपने ही सॉल्यूशन स्टेट में रहे, वो उड़ने की टेंडेंसी नहीं रखे, तो भी हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बोलते हैं। तो इनिशियली यहाँ पे जितने भी वेपर बन रहे थे वो सिर्फ ए की वजह से बन रहे थे, इसलिए हमने पी नॉट ए दिया था इसको। लेकिन अब जो वेपर प्रेशर बनेगा वो यहाँ अभी भी ए की वजह से बनेगा, लेकिन यहाँ पहले पी नॉट ए था, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे? हम पी ए बोलेंगे। पी ए इज क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या है मेरा? पी ए है क्या? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर अभी भी वेपर प्रेशर ए का ही है, लेकिन वो क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, या आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो बेटा? इसे एक रीजन है, यहाँ पे जो भी वेपर बनेगा अभी भी ए की वजह से बन रहा, हाँ भले यहाँ पे पहले ज्यादा बन रहा था, यहाँ कम बन रहा है। तो एक्चुअली जो भी वेपर प्रेशर होगा उसी को हम सॉल्यूशन का भी तो वेपर प्रेशर बोल सकते हैं ना, भले वो ए की वजह से ही हो, दैट डजंट मैटर, है तो वो सॉल्यूशन का ही वेपर प्रेशर ना। आई बात समझ में सबको? इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि भैया पी नॉट ए की वैल्यू ऑब्वियस से बात है पी ए से क्या होगी? मेरी थोड़ी ज़्यादा होगी। आई बात समझ में? कि आप खुद भी देख सकते हो, पहले मान लो 100 मॉलिक्यूल वो ऑपरेट करें, अब शायद 40 ही वो ऑपरेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे अभी भी वेपर प्रेशर किसकी वजह से है? ए की वजह से ही है। तो जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है? ए की वजह से हो रहा है। आई बात समझ में सबको? और यही कहता है क्या मेरा? रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ का क्या डेफिनेशन है? रॉड्स लॉ का ये मानना है कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट, क्या? वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर का कौन जिम्मेदार होगा? जो भी वोलाटाइल सब्सटेंस होगा, और उसका वेपर प्रेशर कितना बनेगा वो डिपेंड करेगा कि इस सॉल्यूशन में कितना उसका मोल फ्रैक्शन है। आई बात समझ में? और इज दैट क्लियर? तो इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, वेपर प्रेशर of any volatile component, any volatile component, vapor pressure of any volatile component in the solution is directly proportional to is directly proportional to mole fraction of that component, mole fraction of that component in the solution, ठीक है? या आप इसको इस तरीके से लिख दो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
कंटेनिंग वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट, इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट, इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, मीनिंग वही है भाई, वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का अगर वो नॉन वोलेटाइल कंटेन कर रहा है तो वो बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट होता है, बट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कितना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में प्रेजेंट, वही जो मैंने हिंदी में बोला वही मैंने उसको क्या किया, मैंने आपको लिखा है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई। तो इसका मैं बोल सकता हूँ कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, मेरा वोलेटाइल कौन सा, ए है मेरा वोलेटाइल कंपोनेंट, मतलब सॉल्वेंट मेरा ए है ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब ये है कि पी ए को जब आप हटाओगे परफॉर्मेंस तो के इंटू एक्स ए आएगा, कितना आएगा, के इंटू एक्स ए आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ वैन एक्स ए इज इक्वल टू वन तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ए आ जाएगा, पी ए जब एक्स ए बराबर वन है, सपोज करो अगर x से बराबर क्या है, 1 है, x से बराबर 1 होने का मतलब क्या, जब मेरा लिक्विड प्योर है तो ये जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का किसके बराबर होगा, पी नॉट ए के बराबर होगा, पी नॉट ए के बराबर होगा ना, आया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए के पी नॉट ए इंटू 1, तो इसका मतलब k बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। तो अगर आप इसका नया फॉर्म देखोगे तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर रॉड। तो ये एग्जैक्टली कुछ किस तरीके से, वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाला ग्राफ है, ये पहला इक्वेशन बनेगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन का पहला फॉर्मूला, पी ए बराबर किसी भी कॉम्पोनेंट का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, मतलब कितना वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और उसका जो वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उसका वेपर प्रेशर पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरा एक ही कंपोनेंट वोलाटाइल है तो सिर्फ मैंने पी ए लिया, मान लो दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल ही था तो पी ए पी बी बराबर क्या होता, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और पी ए प्लस पी बी आपको टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर बस इतना ही है। सेकेंड केस इतना ही, अगर आपको पहला केस समझ में आया तो दूसरा केस आपके लिए बहुत आसान है। तो ये आपको समझ में आए, क्योंकि मेरा वेपर प्रेशर किसके मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस वजह से, जो वोलाटाइल कंपोनेंट कौन सा, मेरा ए है, तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, कितना स्मॉल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में उसका प्रेजेंट है। मान लो अगर 0. मान लो रेशियो कुछ इस तरीके से 0.7 वोलाटाइल है और 0.3 नॉन वोलाटाइल है, तो ऑब्वियस बात है आपको जो भी वैल्यू मिले और जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। अगर किसी सॉल्यूशन मैंने 0.5 रखा तो ऑब्वियस बात है 0.77 वाले का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में उसका मात्रा ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेगा, किसी में अगर मात्रा कम है तो कम वेपर बनेगा। तो वो टोटली डिपेंड करेगा उसका वेपर प्रेशर कि उसका अमाउंट कितना है सॉल्यूशन के अंदर। तो आई होप सो, तो दिस इज द रॉल्स लॉ ओनली, आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो इक्वेशन वन, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, ये इक्वेशन वन बन गया। अब मुझे पता है पी ए बराबर क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, और मुझे ये भी पता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, वन। तो अगर मैं एक्स ए की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स बी। मुझे पता है टोटल मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का क्या होता है, वन होता है। तो अब मैं पी ए बार को क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए इंटू वन माइनस एक्स बी। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी।
तो ये बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो P नॉट A इंटू एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट A माइनस पी ए। आई बात समझ में? और इसी पार्ट को, ये वाला जो पार्ट आता है ना P नॉट A माइनस पी ए, P नॉट A माइनस पी ए को ही हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग मतलब पहले इनिशियली इतना था, बाद में इतना हुआ, मतलब इतना से वेपर प्रेशर मेरा घट गया, तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई होप साहब यहाँ तक आपको कितना क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब यहीं से मैं क्या कर रहा हूँ, पी नॉट ए माइनस पी ए, अब यहाँ पे पी नॉट ए में डिवाइड कर दूँ, मतलब डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे आपका पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट हो चुका है, मतलब पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग में बताया था, आर एल वी पी होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए, ठीक है, मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। भाई कितना घटेगा, मान लो वेपर प्रेशर कितना घटेगा विथ रिलेटिव, मतलब समझो ना कितना घट रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, यही तो रिलेटिव हो गया। मतलब आपने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में देखा, पहले वाले के, मतलब प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, और ये कितना घटेगा वो टोटली डिपेंड करेगा किस पे, आपके अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। भाई जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालोगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब आप प्योर दूध उबाल रहे हो या चाय उबालते हो, तो चाय जैसे उबल रहे तो उसमें और चीनी डाल दो तो तुरंत सारा का उबला हुआ चाय क्या होता है, नीचे चला जाता है। क्यों? उसका बॉयल, उसका क्या हो चुका है, वेपर प्रेशर घट चुका है, वेपर प्रेशर घट चुका है, उसको और बॉयल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि ये सब चीज़ें मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट में बताता था, लोअरिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बट आप एक चीज़ समझो ना, आप जितना ज़्यादा सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे उतना ही वेपर प्रेशर घटेगा, वही चीज़ ये इक्वेशन बता रहा है। तो ये आपका पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हालांकि होता क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ डिसाइड होता है वो जनता डिसाइड करती है, मतलब नंबर ऑफ पीपल्स डिसाइड करते हैं कि एमएलए कौन होगा, एमपी कौन होगा। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ सिमिलर उसी तरीके से है कि भाई ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिपेंड करता कि अमाउंट या नंबर ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने कितना डाला। तो यही आपका पहला क्वालिटी, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करता है, ठीक है, बाकी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे भी देखो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर मैं बात करूँ इसको एन बी, इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, पी नॉट ए बाय पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है, और यह क्या कर रहा हूँ, एन ए प्लस एन बी बाय एन बी। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ माइनस वन कर दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, माइनस वन, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी ए बाय पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है, दिस और दिस कैंसल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन बी बाई एन बी, एन बी और एन बी कैंसल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से इसको रिवर्स कर दे रहा हूँ, तो पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी ए, अब फॉर्मूला क्या हो जा रहा है, अब आपका फॉर्मूला हो जा रहा है एन बी बाय एन ए, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका तीसरा फॉर्मूला है इसी का सॉल्यूशन का, बट ये इसी का दूसरा फॉर्मेट में, तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, न्यूमेरिकल पर्पस आप हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ करोगे, याद रखना, ठीक है।
आपको यहाँ पे डिवाइड किससे करना, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, ना कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पर्पस अगर आपको मतलब अगर कब जब इफ मोलर मास इज आस्क्ड, इफ मोलर मास इज आस्क्ड, अगर कभी क्वेश्चन में मोलर मास वगैरह पूछा गया तो आप हमेशा यही फॉर्मूला यूज करोगे, इज दैट क्लियर। अगर मैं इसके ग्राफ्स की बात करूँ, किसके बात करूँ, ग्राफ्स की, तो देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ग्राफ की, तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसका, एक्स बी का ले रहा हूँ, ठीक है। मैं तो एक्स बी मैं यहाँ से यहाँ बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स बी जीरो होगा और यहाँ पे मैंने कितना लिया, वन लिया, जीरो। तो अगर एक्स बी यहाँ जीरो हो तो एक्स ए की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, वन होगी, और यहाँ एक्स ए की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। आई बात समझ में, तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो इसके ग्राफ ऐसे ही होते हैं, सॉल्यूशन में आपको ग्राफ इसी तरीके से मिलेंगे। तो अब आप ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ अपना क्वेश्चन था ना, पी बरा पी ए बराबर क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, ये मोल वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो एक्स भी यहाँ बढ़ेगा तो एक्स ए यहाँ बढ़ेगा, आई बात समझ में। तो ये आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, एक्स बी ज़ीरो है यहाँ पे और एक्स बी यहाँ पे वन है। तो आप सब सपोज करो आपने क्या किया, एक्स ए की वैल्यू, अच्छा ओके सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, आप ऐसे कर लो, मोल फ्रैक्शन है, एक्स ए की वैल्यू यहाँ जीरो रखो और एक्स बी एक्स ए की वैल्यू यहाँ वन, मतलब इस डायरेक्शन में एक्स ए है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स बी, जहाँ एक्स ए वन हो जाएगा तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब अगर प्योर सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट तो ज़ीरो होगा यहाँ पे, और अगर सॉल्वेंट जीरो है तो सॉल्यूट की वैल्यू कितनी होगी, वन। ओवरऑल टोटल वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो पर वन होनी चाहिए दोनों का सबमिशन। अब इस ग्राफ को देखो, अगर एक्स ए की वैल्यू जीरो पुट करो तो ये ग्राफ कुछ यहाँ से चालू होगा और फाइनली कितने कहाँ तक कट करेगा, जब एक्स ए की वैल्यू वन होगी तो पी ए का हाईएस्ट वैल्यू किसके बराबर हो सकता है, पी नॉट ए के बराबर हो सकता है, इससे ज़्यादा वो कभी जा ही नहीं सकता। तो मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके, सॉरी ये ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है बट दिस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, मतलब पी नॉट ए तक ये वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो दिस ग्राफ इज वर्सेस, मतलब पी ए वर्सेस एक्स ए का ग्राफ है, पी ए वर्सेस एक्स ए का ग्राफ, आई बात समझ सबको। हाँ, अगर आपका एक और कंपोनेंट वोलाटाइल जैसा होता था तो ये ग्राफ यहाँ से एक और ऐड कर देते, क्योंकि मेरे पास एक ही वोलाटाइल है तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन वेपर प्रेशर जो है वो किसके वजह से, ए के वजह से, तो इसलिए मैंने ग्राफ भी किसका लिया, ए का ही लिया। हाँ, अगर आप इसको एक्स बी के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करना चाहते हो तो भी आप ड्रॉ कर सकते हो, तो वेपर प्रेशर मतलब पी ए वर्सेस एक्स बी, तो एक्स बी यहाँ पे मैंने क्या रखा, जीरो रखा और एक्स एक्स ए, ठीक है, एक्स बी आप यहाँ पे चलो हटा दो, एक्स बी हटा दो, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, एक्स बी हटा दो, तो मैंने पी ए वर्सेस एक्स ए के रिस्पेक्ट में रखा, पी ए वर्सेस एक्स बी, एक्स बी जीरो और एक्स बी यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन। तो ये ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ कुछ रिवर्स में जाएगा, पी नॉट ए, क्यों, एक्स बी वन है तो यहाँ पे तो कुछ होने सकता है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पे रहेगा इस तरीके, तो पी ए वर्सेस एक्स बी का ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। तो आई होप्स आपको ये चीज़ आपको क्या हो चुकी होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी। एक मिनट होल्ड करना, एक घंटा पाँच मिनट हो चुका है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, पी ए वर्सेस एक्स ए का ग्राफ और पी ए वर्सेस एक्स बी, में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एक्स बी वन है तो इसका मतलब एक्स ए यहाँ पे क्या होगा, जीरो, तो यहाँ पे इक्वेशन पुट करो तो ये यहाँ पे क्या होगा, और एक्स बी जीरो मतलब ये वैल्यू किसको, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स ए वन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये पी ए बराबर किसको हो जाएगा, पी नॉट के वैल्यू, तो ये वैल्यू हमेशा ये ग्राफ कुछ इस तरीके से इंडिकेट होगा, ठीक है। चलो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आएगी। एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। थर्टी ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 4 ग्राम ऑफ वाटर, ग्राम ऑफ वाटर
एट सर्टन टेम्परेचर इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दैट टेम्परेचर इज 300 mm ऑफ एच जी देन कैलकुलेट पहला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थर्ड है आर एल वी पी आपको कैलकुलेट करना है। फोर्थ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और फिफ्थ आपको कैलकुलेट करना है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। फिफ्थ आपको क्या कैलकुलेट करना है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 30 ग्राम यूरिया ऐड किया 45 ग्राम वाटर पे। इसका मतलब NB मतलब जो सॉल्यूट है मेरा वो कितना 30/60 मतलब 1/2। और Na जो आपका सॉल्वेंट है, यही हमेशा सॉल्वेंट है, बस इस बात को याद रखना है। Na आपका जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, 45 ग्राम बाय 18 ये कितना आ जाएगा 15/6 मतलब 5/2 मतलब 2.5 और ये आ जाएगा 0.5। बात समझ यहाँ पे। एक्स बी की बात करूँ मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो 0.5/3 मतलब 1/6। और एक्स ए की बात करूं मैं तो ये कितना हो जाएगा 2.5/3 मतलब 30 मतलब 5/6। अगर इसी की बात करूं तो दिस इज योर आर एल बी पी। याद करो फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए। तो मेरा आर एल बी पी की वैल्यू क्या हो, किसके बराबर होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के बराबर होते हैं, वो मेरे यहाँ कैलकुलेट हो चुका है, तो आपको ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे मेरा पाँचवा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन बन चुका है और यहीं से मेरा क्या हो चुका है थर्ड क्वेश्चन भी बन चुका है, क्योंकि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड निकालो तो वही तो बराबर होता है आर एल बी पी के। अगर मैं बात करूँ पहला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब पी ए बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए हो जाएगा। तो पी नॉट ए आपको कितना दिया हुआ 300 दिया हुआ, तो 300 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 5/6 से, तो ये कितना टाइम चला जाएगा 250 mm ऑफ HG। तो आप खुद से ऑब्जर्व करो, आपने यूरिया डाला, यूरिया इज अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, इनिशियली प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 250 था, तो 30 ग्राम डालते ये घट जाएगा 250 हो जाएगा। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो क्या हो जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो कितना हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए मतलब कितना हो जाएगा 50 mm ऑफ एच जी मेरा क्या हो जाएगा प्रेशर घट जाएगा। आई बात समझ में, इज दैट क्लियर। सॉरी हम मोलरिटी नहीं निकालना, आपको मोलालिटी निकालना, क्या निकालना मोलालिटी निकालना है। तो यहीं पे मैं अगर मैं बात करूँ इस छोटे से डब्बे में बता दे रहा हूँ मैं, स्मॉल एम की बात करूँ तो क्या होगा एक्स बी बाय एक्स ए इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला स्पेशल फॉर्मूला बताया था, एक्स बी बाय एक्स ए कितना हो जाएगा 1/6 डिवाइडेड बाय 5/6 इंटू 1000 बाय 18। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करिएगा इसको, मुझे बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। तो दिस इज योर मोलालिटी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी चीज़ें और क्वेश्चंस हम करेंगे उसके ऊपर, कल केस टू आएगा तो आप देखिएगा लोअरिंग ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे कितने क्वेश्चन उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए सेशन खत्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच।